दूसरे राउंड में समय ले लीजिएगा। अरुण राजभर हैं, SBSP के जनरल सेक्रेटरी। अरुण जी आपका स्वागत है। इनका तो बंटवारा हो गया, आपको तो डेट तक नहीं मिल रही सर। अभी आपने इटावा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाँ, मैं देखा टीवी देखा रही थी अभी खबर, और लोग ये बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे, और हमारे RLD के एक बड़े नेता हमारे यहाँ मैसेज किए कि ये भीड़ बनारस से लेके आए थे क्या। तो हमने कहा हाँ, ये बनारस से भीड़ लेके आए थे, और समाजवादी पार्टी को भी बता दिए थे कि ये भीड़ बनारस थी, क्योंकि ये प्रचार करेंगे ना, अब यही झूठा प्रचार करेंगे कि ये बाहर की भीड़ आई थी, ये इटावा की भीड़ नहीं थी, और वो भीड़ ये संदेश देने आई थी। और का आरोप कहीं और किए गए काम यहाँ क्यों चिपका रहे हो, यहाँ सीधे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और 80 सीट पर हम बीजेपी NDA गठबंधन को हराएंगे। जरा सीट देख लीजिए उनके पास, 80 सीट में 2019 में कुल टोटल अगर देखेंगे तो 15 सीट में समेटे हैं सब, और आज के डेट में सपा के पास कितनी सीटें बची हैं और बाकी उनके सहयोगी दल हैं कितने सीटें बची हैं, 62 सीट से प्लस बात करें, 62 सीट अभी जीतना है, अभी तो 15 सीट के बाद 80 की बात कर रहे थे, अब 62 जो पहले से जीती हुई NDA की है उसमें कितना वो जीतेंगे अभी बता दिया इन्होंने कि जो जहां कम मजबूत होगा वहां वो सीट लड़ेगा, मतलब उसमें आधा कमजोर है और जो मजबूत है वो अपनी सीट पहले से तय कर लिए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट करके चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, हम टीवी पर सिर्फ जीत नहीं रहे, हम जनता के बीच में जाकर जीत रहे, हम उनकी समस्याओं को उनके बीच में जाकर। आप अपने लिए बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपनी बात कर रहे हैं हम, 80 सीट जो जीतने की बात कर रहे हैं। आप कहां कहां जीत रहे हो सर, कौन सी सीट दी है बीजेपी ने जो आप जीत रहे हो? मणिपुरी भी जीतने जा रहे हैं। आप तो सर गाजीपुर का नाम लेने की स्थिति में नहीं हो। एक सेकंड दुबे जी, रनिंग कमेंट्री ना करो। नहीं, गाजीपुर तक का नाम नहीं ले सकते हो। घोसी जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, सलेमपुर जीतेंगे, जौनपुर जीतेंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। ये आपको मिल रही सीटें लड़ने को? एक सेकंड रुको, ये जितनी सीटें गिनाए हो क्या आपको मिल रही लड़ने को? बिल्कुल, देखिए हमको जो सीटें मिलेंगी वो स्पष्ट मिलेंगी, चुनाव चिन्ह छड़ी पर पीला झंडा लगा रहेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी NDA गठबंधन की। कितनी सीटें मिलेंगी आपको, दो? आप नहीं देखिए क्या है, हमको सीटें जो मिलेंगी वो संतोषजनक, हमारे पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है जो सीटें वहां भेजेंगे, जब सीटें मांगी जाएंगी तो हम आपको बता। कैसे मान लें, जो लोग आपको डेट नहीं दे रहे हैं शपथ की, वो सीट कैसे दे देंगे? ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि डेट नहीं मिल रही है? बता दो डेट, झंझट खत्म, अभी खुलासा करो डेट। आप देखिएगा कि अभी हम उस डेट के पीछे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आज की एक डेट देखा है, अब कल की एक डेट देख लीजिएगा, जनता का समर्थन कल, जितने लोग कहते थे कि पूर्वांचल की पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज कल पार्टी, क्या है आपका? अब उसको भी ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सभी पार्टियों के बराबर खड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हताश हो गए कि अब तो डेट आनी नहीं है, अब चलो सीट बंटवारे की ही बात करें? नहीं, हम सीट बंटवारे पर ही सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, हम जनता की अभी बता दें, समाजवादी पार्टी यही लोग सैफई में महोत्सव करते थे, लेकिन सैफई के जो ब्लॉक हैं उसमें तमाम बंजारा समाज के गांव हैं, आज तक उनको आवाज की व्यवस्था नहीं करा पाए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, देख लो आजकल आप इटावा मैनपुरी सैफई की बहुत चर्चा कर रहे हो, किसी दिन सपा वाले जहूराबाद घूम लिए तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वागत है, हम तो लोकतंत्र में सभी दलों को अगर एक रैली कर दिए वहां पे तो सोचो क्या होगा। नहीं कर दे, हम कहां मना कर रहे हैं, मना करने जा रहे हैं तो बताइए, हैसियत नहीं है, जनता उनके साथ जाने को तैयार। कहां? जहूराबाद में, आज इस कड़ाके की ठंड में। नहीं, जहूराबाद में इस कड़ाके की ठंड में मुझे ये बताओ, जहूराबाद में इनकी हैसियत नहीं है लड़ने की? मैं बता रहा हूँ, बड़े नहीं, क्लियर करो, भागो मत, मोटे मोटे कोट पहन, जहूराबाद में इनको चुनौती दे रहे हो, इनकी हैसियत बताना चाहते हो? हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, गरीब, किसान, व्यापारी हमारी मैं रैलियों में आ रहे हैं जी, आप समझ सकते हैं कि इस ठंडक में हम लोग चैनल पर कमरे में बैठ के बतिया रहे हैं, और लोग खुले मैदान में इकट्ठा होकर संदेश दे रहे हैं कि हम मोदी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं, योगी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों के साथ खड़े हैं। थैंक यू, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ संजय बेचन जी मौजूद हैं, धन्यवाद राजभर जी, शुक्रिया संजय।